हमेशा ही जल का लोटा सभी तरह की दुख दरिद्रता और परिवार में रोग मुक्ति देने में सहायक होता है। ऐसे में पूजा घर में रखा हुआ जल का लोटा किसी न किसी स्वरूप में दुख बीमारी का कारण भी बनता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत विशेष जानकारी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हमेशा ही जल का लोटा हम अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर हमें भर कर रखना चाहिए। भले ही वह दुकान का हो या घर का मंदिर हो, छोटे से मंदिर स्वरूप में हुए या किसी भी स्वरूप में, आपने भले ही एक मूर्ति ही क्यों ना रखी हो, परंतु आपको जल का लोटा उसके साथ जरूर से रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे घर के सभी पितृ दोष, वास्तु दोष और कई तरह की परेशानियां मिटते हुए आपको स्वतः ही दिखनी आरंभ हो जाती हैं। शास्त्र प्रमाण कहता है, वास्तु शास्त्र में ऐसा वर्णित है, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व के स्वरूप में पूर्ण रूप से जो है वर्णन मिलता है। घर आंगन में अगर वास्तु दोष किसी न किसी स्वरूप में, अग्निकोण और वायु तत्व को हम सही नहीं कर पाते हैं इन कोणों को, तो हम जल का लोटा या जल तत्व को सही करने का विचार करते हैं। इस पर आसानी से हम सभी जो है पानी का टैंक इत्यादि सही स्थान पर बनाने का नियम लेते हैं जब वास्तु के हिसाब से घर बनता है। तो यह एक बहुत विशेष भूमिका रखता है जल तत्व, जो कि अपने आप में अद्भुत होता है। जीवन में रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता बढ़ने लगे तो आप सभी को एक जल के लोटे का विशेष उपाय कर लेना चाहिए। आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा तो रखना ही चाहिए, परंतु अपने घर की रसोई में भी एक जल का लोटा रात्रि को भर कर रखने का एक नियम लेना चाहिए। परंतु इसे करने का एक विशेष तरीका है, एक नियम है, जिसके तहत आप सभी कर लेते हैं ना, तो परिवार में आधे से ज़्यादा परेशानियाँ आती ही नहीं हैं। आप सभी को आवश्यक रूप से अपने जीवन में हर एक कार्य की सिद्धि के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए हमेशा ही खुशियां बरकरार रहे, यह प्रार्थना करते हुए नियमित रूप से हमेशा सबसे पहले कोशिश की जाती है कि तांबे का ही लोटा आप सभी किसी भी पूजा में प्रयोग करें। शुभ माना जाता है नियमित रूप से उस तांबे के लोटे की सफाई कर कर धोकर उसके अपने घर के मटके में या अपने घर पर ही जो पानी का स्थान रख रखा है वहां से आप सभी को एक पानी का लोटा भरना चाहिए। कोशिश करें आप सभी उसमें जो है महादेव के शिवलिंग पर नियमित रूप से जल का लोटा चढ़ाएं, परंतु कभी भी तांबे के लोटे में जल में दूध नहीं डाला जाता। दूध जो है अगर तांबे के लोटे में डाला जाता है तो यह विष के समान हो जाता है, शास्त्र प्रमाण कहता है। तो आप सभी जो है विशेष नियम विधान के तहत पूजा पाठ जब करते हैं तो छोटे छोटे कार्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कीजिएगा। साथ के साथ हमेशा अपने घर के मंदिर में जल का लोटा या आपको अपने दुकान के उसमें जल का लोटा रखना चाहिए। वह जल भगवान जी ग्रहण करते हैं, मंत्रों की शक्ति से वह अभिमंत्रित होता है और अपने आप में अद्भुत हो जाता है। फिर उस जल के लोटे को आपको, जैसे आपने सुबह सारी पूजा पाठ इत्यादि आप कर लिए, उसके बाद आपको वह जल का लोटा रखना चाहिए। शाम के समय आप सभी को उस जल के लोटे को बदल देना चाहिए। उसके पश्चात दूसरा जल का लोटा भी उस जल के लोटे को बदलना चाहिए। वह अब पूर्ण रूप से भगवान जी ग्रहण कर चुके हैं, आप उसे आचमन करते हैं, भोजन में ग्रहण स्वरूप कर सकते हैं या किसी पौधे में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा इसका प्रयोग यह माना जाता है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से जो जल का लोटा है वह दोबारा से रख देना चाहिए। स्टील का लोटा मंदिर में रखना ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ नहीं माना जाता है, ऐसी मान्यता है। स्टील के लोटे में कहीं ना कहीं लोहा जो है उसको लोहे को पीट कर ही जो है, अर्थात उसको कूट कर या जो भी उसका कार्य का नियम होता है वह होता है, तो लोहे का ही प्रतीक माना जाता है तांबे का लोटा, तो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। पीतल या तांबा इसमें श्रेष्ठ होता है, जो है स्टील का सही नहीं माना जाता, कहने का अर्थ है। तो आप सभी पूजा घर में पीतल या तांबे का ही लोटा प्रयोग में लें, अच्छा होता है। साथ के साथ आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करना है, तब भी आप सभी पीतल या तांबे का ही लोटा प्रयोग में लें। पूजा पाठ में यही धातु उपयोगी मानी जाती है। प्राचीनतम समय में इन्हीं वस्तुओं में भोजन किया जाता था। आजकल जो है आधुनिकता के दौर में, मिलावट के दौर में कहीं ना कहीं स्टील के बर्तन आने लगे हैं, तो यह ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ भी नहीं होते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में जल का लोटा तो रखना ही चाहिए। साथ के साथ आपको नियम बना लेना है, आपको अपने सोने के बाद, जैसे स्नान शाम के समय जब आप भोजन इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं, घर के कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, तो आपको एक जल का लोटा अपने घर के रसोई में रख देना है भरकर। अब उस जल के लोटे को आपको जो है उसके ऊपर एक
प्लेट रख देनी है, उसके ऊपर रख देना है चावल का दाना। ऐसी मान्यता है। शिव महापुराण में भी कहा जाता है कि यह जल का लोटा अगर आप पूरे जो है उठकर सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के दरवाजे पर छिड़क देते हैं और उस चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर के जो पितर होते हैं वह पूर्ण रूप से कोई अधोगति में गए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती है, उनकी मुक्ति होना निश्चित हो जाती है। घर के दरवाजे पर सुबह के समय रसोई में रखा हुआ जल अगर जो व्यक्ति छिड़कता है उसके घर के सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं और परिवार में एक अद्भुत तरह की खुशी होती है। तो आप सभी को नियम बना लेना है कि आप सभी जल का लोटा अपने घर की रसोई में रखेंगे, सुबह के समय उठकर उसका छिड़काव घर के दरवाजे पर करेंगे और जो एक चावल का दाना आपने पितरों की जो है मुख शुद्धि के लिए अर्थात उनके तृप्ति के लिए रखा है उसे आप सभी शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। तो प्रयत्न करें आप सभी आवश्यक रूप से इस कार्य का नियम बांध लीजिए, यह अपने आप में अद्भुत कार्य है। आप जानते होंगे एक लोटा जल मेरे महादेव को प्रिय है, एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, अपने आप में गुरुजी ने कहा है। तो नियम बांध लेना चाहिए आपको, एक जल का लोटा रोज नियमबद्ध तरीके से साफ स्वच्छ होकर लाल पीले रंग के कपड़े धारण कर, मस्तक पर सुहागिन महिलाएं हैं तो पूर्ण श्रृंगारित होकर, पुरुष जन है तो तिलक धारण कर, अपने जो मस्तक पर चोटी विराजमान है उसे पूर्ण रूप से बनाकर आप सभी को शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना चाहिए नियमित रूप से। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए यह कार्य अपने आप में अद्भुत माना जाता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कहा जाता है। तो नियम बना लीजिए आप सभी इस उपाय को, इस कार्य को करने का। यह नियम जो एक घर के रसोई में जल के लोटे और एक चावल का दाना और एक घर के मंदिर में लोटे का, यह अपने आप में सिद्ध उपाय जाना जाता है, कहा जाता है। इन दो स्थानों पर जिस घर में नियमित रूप से जल रखा जाता है उस घर में कभी कोई वास्तु दोष नहीं होता, पितृ दोष नहीं होता, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से परिवार परेशान नहीं रहता, घर का पैसा कभी गलत जगह पर खर्च नहीं होता है। तो नियम बांध लीजिए आप सभी इस कार्य को जरूर से करेंगे, यह कार्य अपने आप में अमृत के बूंद की तरह कहा गया है। साथ के साथ एक जल का लोटा जो आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं वह अपने आप में अद्भुत होता है। कई भक्तजन यह नहीं जानते हैं कि जल का लोटा समर्पित करने के बाद जब उस जल के लोटे को हमेशा घर के जो है घर से आपको भर ले जाना है, फिर शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर अंतिम छोर में प्राप्त हुआ जल आपको अपने हाथ की हथेली में आचमन के स्वरूप में ग्रहण करना है और ग्रहण करने के बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ गया अंतिम कोने में उसे प्राप्त कर घर पर भी छिड़काव करना, ग्रहण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अपने आप में अग्नि में और जल में और वायु में ऐसी शक्तियां होती हैं जो भारी से भारी रोग दोष संकट पीड़ा को निदान कर और अपने आप में खुशियां बरकरार रखने में सहायक होती है। उसमें जल जो है सबसे प्रमुख होता है जो कि हर एक कार्य में सहायक होता है। इस महीने जल का दान करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। सच्चे मन सच्चे भाव से की गई पूजा कभी निष्फल नहीं जाती, भले ही आप संक्षिप्त स्वरूप में पूजा करते हैं परंतु भाव अगर आपके सच्चे हैं, आप भगवान जी के समर्पित हैं, जैसा है जो है जिस स्वरूप में अगर आपको दिया है उस स्वरूप में आप जो है उनका हमेशा ही धन्यवाद करते हैं। आप मन में सोचते हैं कि भगवान जी आपने दिया है, सब कुछ आपका है, सभी का सुख हो, सभी की निरोगी काया हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कार्य कर लेते हैं तो परिवार में स्वतः ही उन्नति आनी आरंभ हो जाती है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कोई कमेंट्स में बात हो तो पूछ लीजिएगा।